मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में न्यूमेटिक स्टंट कार की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। इस तरह की यूनिक स्टंट कार मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, इस मेरे को लगता है आप भी पहली बार देख रहे हो, क्योंकि इसके अंदर इस तरह का एक एयर पंप मिल जाता है। इस एयर पंप को यूज करके हम लोग इसके व्हील्स जो है बड़े भी कर सकते हैं या फिर छोटे भी कर सकते हैं। इसकी फाइट आज मैं कराने वाला हूँ दो स्टंट कार के साथ, का नाम है एक्वा स्टंट कार। चलो गाइस फटाफट से दोनों का करते हैं अनबॉक्स, कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस आज की वीडियो में कौन सी स्टंट कार जीत पाती है। लेट्स स्टार्ट। इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस में खरीदा था। आप भी अगर इसको खरीदना चाहते हो या फिर इसका प्राइस जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर तुम लोगों को एक शॉपिंग बैग दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। चलो गाइस बिना वक्त टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस बॉक्स को यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। पहले देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। देखने में तो कार यार बिल्कुल मीडियम साइज की जितनी बड़ी दी हुई है, ज्यादा बड़ा साइज भी इसका है नहीं। तो ये आ गई अपनी कार और बैटरी भी आ गई है, चार्जर भी आ गई है। सबसे पहले मैं आपको कार दिखा देता हूं। देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल स्टंट कार जैसी ही दिखाई देती है। यहां पर देख सकते हो ये फ्रेम से दोनों व्हील्स जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से स्टंट वगैरह कर सकती है। इसको मैं प्रेस कर रहा हूं, व्हील जो है वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर दिया गया है एयर फिल करने के लिए यहां पर एक नॉब। और ये रहा इसका पंप, हवा वगैरह इसके अंदर किस तरह से भरना है सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। व्हील्स इसके बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इस तरह के व्हील्स मैंने आज तक कोई भी कार के अंदर नहीं देखे। यहां तक कि मैंने 20,000 30,000 की भी कार्स की अनबॉक्सिंग की है, उनके अंदर इस तरह के कमाल के व्हील्स नहीं देखे हैं गाइस। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसका रिमोट की क्वालिटी सच बताऊं गाइस बड़ी ही ऑसम है। देख सकते हो यार क्या ही टेक्टाइल बटन्स दे रखे हैं। यहां पर दो एक्स्ट्रा बटन्स है, मेरे को नहीं लगता है कुछ काम के बटन्स है। यहां पर इसका ऑन ऑफ स्विच है। बैटरी भी दिखा देता हूं, ये रही इसकी बैटरी। बैटरी जो है बड़ी ही छोटी है यार, और बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्ज। देखने में ये एक सिरिंज जैसा ही दिख रहा है, देख सकते हो काफी ज्यादा शार्प है सामने की तरफ से। यहाँ पीछे की तरफ जो है ये पंप की तरह इस तरह से काम में आ जाता है। इसके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा एयर है, देख रहे हो गाइस। अभी इस एयर को हम लोग चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों को इस कार को जब भी ऑफ रोड में चलाना है, ऑफ रोड में चलाएंगे तो इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पाएगी, तो इस वजह से थोड़ी सी हवा जो है हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। यहां पर ये जो वॉल्व आपको दिख रहा है ना गाइस, इसके अंदर इसको थोड़ा सा अंदर की ओर ढकलेंगे। सारा का सारा जो पंप है अंदर की तरफ जा चुका है। अभी जस्ट हम लोगों को इसको निकालना है, व्हील को देखो जस्ट थोड़ा सा प्रेस करना है और इसको निकाल देना है बाहर की तरफ। अभी देखो यार व्हील जो है पूरी तरीके से पिचक चुका है और इसके अंदर की जो हवा है पूरी तरीके से निकल चुकी है। अभी मान लो हम लोगों को जो है ये कार को जो है मेन रोड के ऊपर दौड़ाना है और फुल स्पीड में दौड़ाना है। वापस से ये पंप यहां पर लगाएंगे और इसके अंदर जो है इस तरह से हवा भर देंगे, तो जितनी चाहे उतनी हवा हम लोग इसके अंदर भर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मजबूत व्हील इसके अंदर दिया हुआ है, देख रहे हो मैं अभी भी इसके अंदर हवा भरे जा रहा हूं, तो इसके अंदर एकदम दबाकर एयर भर दिए भाई साहब। देख रहे हो व्हील दबाने पर भी दब नहीं रहा, ये व्हील देखो यार इसके अंदर थोड़ी सी हवा जो है कम है, ये कितने आसानी से प्रेस हो रहा है। इसको देखो यार बहुत ज्यादा मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है प्रेस करने के लिए। इसको चाहे तो और भी बड़ा हम लोग कर सकते हैं, तकरीबन इतना बड़ा व्हील कर सकते हैं गाइस इसके अंदर एयर भरने के बाद। बॉक्स के ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसको वाटर में चलाना चाहिए या फिर ये जो कार है वाटर प्रूफ है, पर मैं आज रिस्क लेकर इस कार को जो है वाटर पे भी आपको चला के बताऊंगा यार। इसके अंदर देख रहे हो एयर भरने के बाद मेरे को लगता है कि ये जो कार है पानी के ऊपर तैरने लगेगी। फिलहाल इसको मैं रख देता हूं साइड में, अभी अनबॉक्सिंग करेंगे एक्वा स्टंट कार को। ये एक प्योरली वाटर में चलने के लिए ही बनाई गई स्टंट कार है, आपको पता होगा। चलो इस फटाफट से इस कार को भी जो मैं आपको यहां से ओपन करके दिखा देता हूं, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। मेरे पास एक और कार है उसके भी साथ इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। सामने की तरफ से अगर आप इसको देखो ना गाइस, पूरी तरीके से ये एक मेंढक की तरह दिखाई देती है, यानी कि फ्रॉक की तरह। पानी में चलने के लिए देख सकते हो व्हील्स के ऊपर काफी अच्छी खासी रबर की ग्रिप दी हुई है, या तो फिर हम लोग इसको ऑफ रोड में भी चला सकते हैं या फिर रोड पर भी चला सकते हैं। इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर इतना बड़ा वाला रिमोट मिल जाता है। साइज देखो यार रिमोट का कितना बड़ा है। रिमोट ठीक ठाक ही लग रहा है, पर 27 मेगाहर्ट्ज का रिमोट इन लोगों ने दे रखा है इसके अंदर। और बैटरी की भी क्वालिटी देखो यार, मेरे को ये उतनी अच्छी लग नहीं रही है। 4.8 वोल्ट 300 mAh की बैटरी है। तो गाइस ये आ गई हमारी एक और स्टंट कार, इसका नाम है स्टंट बॉय आरसी कार। आपको पता होगा गाइस ये जो कार है कितनी कमाल के स्टंट मार सकती है। इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है, बस फर्क ये है कि इसके अंदर न्यूमेटिक व्हील्स नहीं मिलते हैं, पर इसके अंदर न्यूमेटिक व्हील्स मिल जाते हैं। इसके अंदर और एक चीज यूनिक है, जैसे कि देख सकते हो इसके ये जो हेड है हम लोग अलग भी कर सकते हैं, तीन अलग अलग तरीके के हेड्स इसके अंदर मिल जाते हैं। चलो गाइस चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं भाई तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस आज कौन सी स्टंट कार जीती है। लेट्स गो।
ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूं बाहर। सबसे पहले टेस्ट करते हैं रेड कलर न्यूमेटिक स्टंट कार को। ये दो एक्स्ट्रा बटन जो है कुछ काम के है नहीं। चलो अभी इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है और इसकी कंट्रोलिंग किस तरह की है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके जो व्हील्स के अंदर हवा मैंने कुछ ज्यादा ही भर दी यार, क्योंकि ये जो कार है कुछ ज्यादा ही जंप कर रही है। मेरे पास और भी बहुत सारे स्टंट कार्स है पर इसकी कंट्रोलिंग उन सभी में से बहुत ही ज्यादा अच्छी दी गई है। ओके गाइस, अभी टेस्ट करते हैं स्टंट बॉय आरसी कार को। नो डाउट ये जो कार है बहुत ही अलग अलग तरीके के स्टंट वगैरह कर सकती है। कार दिखने में भी बहुत ही बढ़िया है पर इसकी कंट्रोलिंग मेरे को बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है गाइस, क्योंकि इसका जो रिमोट है बहुत ही छोटा दिया गया है। पर कार देखो यार, 360 डिग्री घूम सकती है, ड्रिफ्ट वगैरह मार सकती है। ओके, तो अभी टेस्ट करते हैं एक्वा स्टंट कार को। तो ये कार जिस तरह के यूनिक स्टंट कर सकती है दूसरी कार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैंने यहाँ पे इसको व्हीली करा दी है और व्हीली कराते हुए देखो 360 डिग्री भी घुमा रहा हूँ फिर भी ये कार जो है बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरती है। ओके गाइस, अभी रेस कराते हैं इन दोनों स्टंट कार के बीच में, देखते हैं गाइस कौन सी स्टंट कार इस रेस को जीत पाती है। यहाँ पर अपनी रेड कलर की स्टंट कार आगे चल रही है, पीछे से आ रही है स्टंट बॉय आरसी कार। ये देखो यार, इसने इसको क्रॉस कर दिया है। वापस से रेड कलर की स्टंट कार ने स्टंट बॉय आरसी कार को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ चुकी है। रेड कलर की स्टंट कार देखो यार, इसके व्हील्स के कारण मेरे को लग रहा है कि ये रेस जीत के ही मानेगी। तो भाई क्लियरली देख सकते हो अपनी रेड कलर की स्टंट कार रेस को जीत चुकी है बहुत ही आसानी से। अभी कराते हैं पुशबैक इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं गाइस कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। देखो और वापस से अपनी एक्वा स्टंट कार ने व्हीली मारकर इसको पीछे ढकलने की कोशिश कर रही है, पर अपनी रेड कलर की स्टंट कार भी कुछ कम है नहीं गाइस। देख सकते हो ये बिल्कुल भी उल्टा गिरने का चांस है नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ से ही चल सकती है। दोनों के बीच में यहाँ पर टाई हो चुका है, कोई भी हार मारने के लिए तैयार नहीं है गाइस। ओके, अभी कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर। वापस से देखो गाइस, यहाँ पर अपनी एक्वा स्टंट कार व्हीली मार चुकी है, पूरी कोशिश कर रही है रेड कलर की स्टंट कार को अपनी तरफ खींचने के लिए, पर रेड कलर की स्टंट कार के व्हील्स एकदम तगड़े होने के कारण, इसको ग्रिप बढ़िया मिलने के कारण देख सकते हो ये इतनी भारी भरकम एक्वा स्टंट कार को भी रोड पर घसीट के लेके जा रही है। भाई साहब, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर दी गई है। तो अभी इस कार का हम लोग करने वाले हैं वाटर टेस्ट। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ, देखते हैं तैर पाती है या नहीं। ओ माय गॉड गाइस, देखो ये तैर रही है, चला के भी देख लेते हैं चल पाती है या नहीं। चल भी रही है भाई साहब, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि की तरफ मूव भी कर रही है। एक मिनट रुक जाओ गाइस, कार जो है पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी है। मेरे को लगता है इसके कंपार्टमेंट में पानी जा चुका है, थोड़ा सा मैं पानी निकाल देता हूँ। यो भाई साहब, बच गई यार कार मेरी। मेरे को लगा था कि भाई ये खराब हो चुकी है। गाइस अगर आप इसको खरीदते हो तो बिल्कुल भी पानी में मत चलाना यार, ये वाटरप्रूफ है नहीं। तो अभी एक्वा स्टंट कार को भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये प्योरली वाटरप्रूफ आरसी कार है। देखो गाइस, असली कार इस तरह की होती है जो पानी पर चलती है, तो वाटर पर चलने के मामले में क्लियरली एक्वा स्टंट कार जीत चुकी है। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ऑफ रोड में। एक्वा स्टंट कार को हम लोग पत्थरों पर से चला के देखने वाले हैं, देखते हैं ये किस तरह से चल पाती है। चल तो रही है पर देखो यार, पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो चुकी है, जिस तरफ चाहे भाई ये उस तरफ दौड़े जा रही है। अभी टेस्ट करते हैं रेड न्यूमेटिक स्टंट कार को, और पूरी तरीके से मैं इसको ऑफ रोड में पत्थरों पर से टेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल भी ये कहीं पर भी रुक नहीं रही है और काफी ज्यादा कंट्रोल होकर चल रही है। व्हील्स के अंदर से हवा जो है मैंने थोड़ी कम कर दी है ताकि इसको ग्रिप अच्छी तरीके से मिल सके। कमाल हो गया गाइस, ये कार जो है पत्थरों पर से और ऑफ रोड में बड़ी ही मस्त तरीके से चल रही है। मजा आ गया गाइस इसको चलाकर। तो फाइनली गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको तीनों में से कौन सी कार पसंद है। नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है दिग्विजय, कुशल, अहनाफ, सुनीता यादव, शुभ्रा अधिकारी, रवि, अमन गुप्ता, ईशांकी, नैरिति दास, लोकेश्वर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।